मिनिमम 5,000 रुपये का आपको का 5,000 आपको प्रॉफिट मिल सकता है। पाउडर बनाने के बिजनेस में हर रोज आप 5,000 का कमाई कर सकते हो, उसमें सब लेबर खर्च, सब मेंटेनेंस खर्च, सब रॉ मटेरियल्स खर्च सब निकल के आप एक किलो के पीछे 5 रुपीज, और ये पूरा आप एक दिन में 1,000 किलो निकाल सकते हो, तो आपको 5,000 रुपये आपकी रोज कमाई कर सकते हो। ये मशीन और कच्चा माल खरीदने के लिए कंपनी के नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहीं से आप बहुत ही आसानी से इस मशीन को खरीद सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर टिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर टिक करें, ताकि आप हर रोज बिजनेस के नए नए वीडियो देख सके। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिटर्जेंट पाउडर बनाने का बिजनेस के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये बिजनेस हर रोज हर दिन चलने वाला बिजनेस है, क्योंकि हर व्यक्ति को कपड़े धोने की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये बिजनेस रुकने वाला है ही नहीं। तो हम मिलेंगे हितेश भाई से। हितेश भाई नमस्कार। नमस्कार हितेश भाई, हम डिटर्जेंट पाउडर बनाने का बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं और इसमें कौन सी मशीनों की यूज होती है, हाँ। आप हमारे दर्शकों को समझाएं। डिटर्जेंट पाउडर बेसिकली हर एक घर के अंदर यूज होता है और हर छोटे बड़े घर के अंदर कपड़ा धोने की रिक्वायरमेंट होती है और सब जगह पे डिटर्जेंट पाउडर यूज होता है। डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए 3 टाइप का मशीन का रिक्वायरमेंट है। मिक्सर मशीन, उसको पाउडर मिक्स होता है, दूसरा उसका स्क्रीनिंग मशीन, उसमें पाउडर छनता है, और तीसरा उसका सीलिंग मशीन, उसका पाउच का सीलिंग करने के लिए। और ये हम किस तरह से बना सकते हैं, यानी कि इसमें कौन कौन सी केमिकल यूज होता है, क्या होता है, तो ये किस तरह से बना? तो ये छोटे बड़े साइज में मशीन आता है, 100 किलो, 200 किलो और 350 किलो और 500 किलो, 4 टाइप का मशीन है। तो सबकी जरूरियत के हिसाब से कितना प्रोडक्शन करना है वो हिसाब से उसका डिटर पाउडर का मशीन लेना पड़ता है। तो ये सबसे पहले उसमें आपको ड्राई मटेरियल डालना पड़ता है, ड्राई मटेरियल डालने के बाद उसमें तुरंत लिक्विड मटेरियल डालो, तो मिक्सर मशीन में मिक्सिंग हो गया। ये मिक्सर मशीन है, मिक्सर मशीन के मशीन को ओनली फॉर 2 मिनट, 2 मिनट ही चलाना है, 2 मिनट में आपका पाउडर तैयार हो जाएगा। पाउडर तैयार होने के बाद उसको निकाल के सीधा स्क्रीनिंग मशीन में डालना, उसका ये छन्ना मशीन है और उसको स्क्रीनिंग मशीन भी बोल सकते हो। स्क्रीनिंग मशीन में पाउडर छन जाता है, यूनिफॉर्म हो जाता है, उसमें कोई वेस्ट नहीं निकलता है। ये मशीन यूज करने का बड़े से बड़ा फायदा ये है कि उसमें कोई वेस्ट नहीं निकलता है, पूरा पाउडर हमको पूरा का पूरा मिलता है। स्क्रीनिंग मशीन में से निकला हुआ मटेरियल सीधा उसको पॉलीथीन में पैक कर दो। ये पाउडर को हमको पॉलीथीन में पैक करके, ये सीलिंग मशीन है, उसका पाउच सीलिंग मशीन में सील करना पड़ता है। ये सील करने के बाद आप सीधा उसको मार्केट में बेच सकते हो, बस उतना ही प्रोसेस है, बहुत छोटा प्रोसेस, और आपका पाउडर तैयार हो जाता है। उसमें 3-4 जातना केमिकल आता है, एक तो सोडा है, एसिड स्लरी, पानी, कलर, एसटीपीपी वगैरह सब अलग अलग। वो तो जब आप मशीन हमारे पास लेने के लिए आएंगे तो हम आपको पूरा डिटेल से समझाएंगे। यदि आपको ज़रूरत पड़ी तो हम आपके पास टेक्नीशियन भेजेंगे और आपका पूरा प्लान सेटअप करके हमारा टेक्नीशियन वापस आएगा। दोस्तों डिटर्जेंट पाउडर किस तरह से बनाया जाता है, तो वो सारी प्रोसेस जब आप ये मशीनरी खरीदोगे तब आपको पूरा प्रोसेस आपको सिखा दिया जाएगा कि डिटर्जेंट पाउडर हम किस तरह से बना सकते हैं। हितेश भाई, हमारे कस्टमर ने ये मशीनरी खरीदा, तो उस मशीनरी में आप हमारे कस्टमर को किस तरह की सर्विस दे सकते हो, मतलब कि एक सर्विसिंग मेंटेनेंस तो किस तरह का होता है? पहले तो ये मशीन बहुत स्टडी है, ये मशीन में ऐसा कोई 5 साल तक कोई मेंटेनेंस का प्रॉब्लम आता नहीं है। खाली आपको हर साल में एक बार उसके गियरबॉक्स के अंदर ऑयल चेंज करके नया डालना पड़ता है, बस वही उसका मेंटेनेंस है। बाकी मशीन एकदम स्टडी रहता है। फिर भी उसमें 2 टाइप का मशीन है, एक माइल्ड स्टील मटेरियल का बनता है और एक स्टेनलेस स्टील मटेरियल। माइल्ड स्टील में क्या है कि उसमें एसिड स्लरी वगैरह यूज होता है, तो वो जंग खाने का प्रॉब्लम आता है, फिर भी वो 5 साल तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन आपका थोड़ा बजट बढ़ाओ तो उसमें स्टेनलेस स्टील का जो मॉडल हमारा है वो लॉन्ग लाइफ हो जाएगा। आपको मशीन मतलब का कि पूरी वारंटी, मेंटेनेंस बहुत कम करना पड़ेगा। वो तो खाली मेंटेनेंस के तौर पे एक ही चीज का ध्यान करना है, गियर बॉक्स के अंदर ऑयल हर साल में एक बार चेंज करना है। यदि आपका मशीन ज्यादा चलता है, हर रोज 8 घंटा पूरा चलता है, तो उसमें 6 महीने में या तो 4 महीने में ऑयल चेंज करो।
वो तो जब आप खरीदोगे तब आपको कस्टमर को समझा दोगे पूरा का पूरा। दोस्तों जब आप मशीनरी खरीदोगे तो उसका रख रखाव किस किस तरह का करना है, सर्विस किस तरह का करनी है, मेंटेनेंस किस तरह का होता है, वो पूरी डिटेल आपको ये समझा देंगे। और आपको मशीन लेने के बाद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो भी ये आपको पूरा हेल्प करेंगे। जब मशीनरी है वो कितना वॉट, मतलब कि इसका पावर कंजप्शन कितना होता है, मोटर कितनी हो, किस तरह की होती है। पाउडर बनाने के लिए खाली मशीन 2 मिनट चलता है, ओनली फॉर 2 मिनट। पाउडर को मिक्स करने के लिए खाली 2 मिनट का मशीन चलना जरूरी है, तो उसमें पावर कंजम्पशन का बहुत नॉमिनल खर्च है, बिल्कुल नॉमिनल खर्च। डिटर्जेंट पाउडर में बिजली का बिल बहुत कम आता है, बहुत कम है। अब मेहनत लगती है लेकिन और छोटा प्लान जो हमारा है वो अपने सिंगल फेस घरेलू बिजली पे भी चल सकता है, उसके ऊपर अधिक में जा तो आपको 3 फेस कनेक्शन लेना पड़ता है। दोस्तों एक फायदे की चीज़ है, ये फायदा है कि अब अपने घर पे के बिजली से भी आप इस मशीन को चला सकते हो, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है। हितेश भाई, हम ये जानना चाहते हैं कि ये डिटर्जेंट पाउडर बनाने में हम कितना खर्च होता है और कौन कौन सी मशीनें हमें उसमें लगती है। ओके रौनक भाई, ये बेसिकली डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए हमको 3 मशीन की रिक्वायरमेंट आवश्यकता है। पहला मशीन है उसका मिक्सर मशीन, मटेरियल सारा मटेरियल उसमें मिक्स होता है, मिक्सिंग होने के बाद उसको छन्ना करना पड़ता है तो उसका स्क्रीनिंग मशीन आता है, और तीसरा उसका ऐसा पाउच सील करने का मशीन आता है, पैकिंग मशीन। 3 मशीन से अपना पाउडर का काम चालू हो जाता है। और पाउडर बनाने के लिए आपको ये 3 मशीन की कॉस्ट जो है मिनिमम, मेरा जो बेसिक प्लांट है उसकी कॉस्ट 1.25 लाख से लेके 1.25 लाख तक में पूरा प्लांट सेटअप हो जाता है। उसमें 18% GST और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अलग से लगता है। और ये तीनों 3 मशीन आपको इतनी छोटी पूंजी में आपका काम कर सकते हो। ये बनाने के लिए आपको मिनिमम 3 से 4 लाख या तो 6 लाख, फिर बाद में आपकी कितनी मुड़ी रोकान करने की ये है वो उसके ऊपर है मिनिमम, लेकिन 3 से 6 लाख रुपए में ये धंधा स्टार्ट हो सकता है। तो आपका उसमें वर्किंग मशीनरी भी आ गया और वर्किंग कैपिटल भी आ गया और पैकिंग मटेरियल भी आ गया। तो बेसिकली ये डिटर्जेंट पाउडर का एकदम छोटे से छोटा जो प्लांट है ये 3 से 6 लाख रुपए में स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आपको पर डे 1 टन प्रोडक्शन यानी कि 1000 किलो आप माल बना सकते हो। और ये पाउडर बनाने में आपको जो प्रॉफिट मिलता है ये नेट प्रॉफिट आपको 1 किलो के पीछे 5 रुपया है, 1 किलो शुरुआत में। शुरुआत में, फिर बाद में आप अपना ब्रांड नेम जमा लेंगे, आप परचेसिंग मोर परचेस करेंगे यानी कि रॉ मटेरियल बल्क क्वांटिटी में खरीदेंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ भी सकता है। और छोटे से छोटा प्लांट आपको रोज का आप 1 टन बना दिया, 1 टन बेच दिया तो मिनिमम 5000 रुपये का आपको मिलेगा, 5000 आपको प्रॉफिट मिल सकता है। पाउडर बनाने के बिजनेस में हर रोज आप 5000 का कमाई कर सकते हो, उसमें सब लेबर खर्च, सब मेंटेनेंस खर्च, सब रॉ मटेरियल्स खर्च सब निकल के आप 1 किलो के पीछे 5 रुपीज। और ये पूरा आप एक दिन में 1000 किलो निकाल सकते हो तो आपको 5000 रुपये आपकी रोज कमाई कर सकते हो। तो इसके बाद आप अपनी कंपनी का पाउच भी बना सकते हो और पैकिंग भी आप बना सकते हो। आप अपनी कंपनी का नाम लोगो इस बना करिए, पाउच बनाकर उसमें पैक करके आप बाजार में बेच सकते हो, खुद का ही ब्रांड आप शुरू कर सकते हो। और हमारे कस्टमर को ये खरीदना है, पूरे इंडिया में हमारी सब्सक्राइबर है तो उसको ये मशीन खरीदना है तो उसको आप किस तरह की सहायता दे सकते हो, मतलब कि उसको ट्रांसपोर्टेशन या एडवांस में या किस तरह का दे सकते हो। रौनक भाई, कस्टमर इज गॉड, सही है। सबसे पहले तो कस्टमर भगवान है, आपकी चैनल के माध्यम से कस्टमर जो हमारा कांटेक्ट करेंगे, आप हमारा टेलीफोन नंबर वगैरह सब उसके अंदर डालेंगे, सब डालेंगे और वो तो आ ही जाएगा। वो कस्टमर आपका हमारे पास फोन करेंगे तो हम उनको पूरा सिस्टम समझाएंगे, उनको वीडियो वगैरह सब भेजेंगे, मशीन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। दूसरा हमारा रेट का हम उनके साथ शेयर करेंगे, रेट शेयर उनको, रेट उनका कॉमर्शियल सेटअप हो गया तो वो हमको ऑर्डर करने के टाइम पर हमको 40% एडवांस, हमारा एक बेसिक जो सिस्टम है तो वो 40% हम एडवांस भेजना पड़ेगा।
चाहे वो टेलीफोनिक भी ऑर्डर कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग से हमारा फैक्ट्री देख सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन है उनको हमारी फैक्ट्री में आना है तो वो भी आ सकते हैं और देखने के बाद वो भी ऑर्डर दे सकते हैं। और उनको ये मशीन देने के लेने के लिए उनको 40% एडवांस देना है, वो 40% एडवांस जमा होने के बाद उनका मशीन बनना चालू हो जाएगा। हम हमारे टाइम टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जो टाइम पीरियड जो नक्की होगा, हमारा 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज का जो टाइम पीरियड रहता है, वो उनके साथ में हमारा जो डिस्कशन करने के बाद जो हमारा जो नक्की रहेगा, वो हिसाब से हमारा उसका उनका मशीन रेडी हो जाएगा। उनको हम फोटोग्राफ्स वगैरह भेज देंगे, बैलेंस पेमेंट के लिए प्रोफोमा इनवॉइस भेज देंगे, वो बैलेंस पेमेंट भेज देंगे, तो हमारा पूरा का पूरा एक सिस्टम रहता है मशीन को पूरा कंप्लीट, मशीन को ये ट्रायल रन करके चालू करके उसका देखने के बाद ये सारे के सारे मशीन हम उनको अच्छी तरह से पैक करके, यानी कि स्क्रैच पैकिंग, बॉक्स पैकिंग नहीं होता है, गुजरात के अंदर या गुजरात के बाहर जाना है इंडिया में तो वहाँ पर बॉक्स पैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मशीन पूरा डेलिकेट नहीं होता है, बहुत स्टडी मशीन रहता है। तो ये मशीन को ट्रांसपोर्ट में हम डाल देंगे, ट्रांसपोर्ट का हम सेटिंग करवा देंगे, उनको ये सब मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, और ट्रांसपोर्ट का जो एक्चुअल भाड़ा कम से कम रेट वाला रहेगा वो उनसे हम कोऑर्डिनेट करके आपको मशीन डिस्पैच कर देंगे। वहाँ से मशीन पहुँचने के बाद आपको मशीन आपके वहाँ पर चालू करने के लिए मशीन पूरा फिटेड होता है। आपको ये बिजनेस के अंदर एकदम नए हैं तो हम आपको एक टेक्नीशियन प्रोवाइड करेंगे, वो टेक्नीशियन आपके पास आएगा, उनके पहले आपको मशीन को अपनी जगह पे रख के उसका इलेक्ट्रिक फिटिंग मेरा टेक्नीशियन वीडियो कॉलिंग से बोले वो हिसाब से करवा लेना पड़ेगा, वो जो बोलेगा वो हिसाब से आपको रो मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, रो मटेरियल परचेस होने के बाद वो अपना जो टेक्नीशियन है वो आपके पास आ जाएगा, और पूरा का पूरा सिस्टम आपको फर्स्ट लेवल से लेके लास्ट लेवल तक का पूरा समझा देगा, और मशीन का चला ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका मेंटेनेंस सिस्टम, साबुन और पाउडर या नहाने का साबुन बनाने का आपको नहीं आता है तो उसकी पूरी फॉर्मुलेशन, वो हफ्ता दिन रुकेगा और उसको आपको पूरा सेटअप कर देगा, आपके आपको और आपका कोई भरोसामंद वर्कर है उसको भी पूरा सिखा देगा। उसका जो चार्जेस है वो टाइम पर जो रहेगा वो उसको पे करना पड़ेगा, और जो भी रहेगा वो नॉमिनल, कोई इतना बहुत बड़ा वो कोई कैमेज जैसा चार्जेस नहीं रहता है, वो एक टेक्नीशियन है, वो टेक्नीशियन का जो चार्ज रहेगा वो उसका हम जब आपका ऑर्डर रहेगा वो टाइम पर बता के आपको सॉल्व आउट करेंगे, और आपके साथ हम मशीन बेचने के बाद हम कोई ऐसा बस हो गया बात हो गया ऐसा नहीं है, आपके पास आपका प्रोडक्शन निकल जाए तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, और आफ्टर सेल यानी कि आपका एक साल में तो कोई प्रॉब्लम आएगा तो कंपनी उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा तो आपको पूरा गारंटी मिलता है, लेकिन आपको आफ्टर 5 ईयर भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमारी कंपनी से आपको मेंटेनेंस का कोई भी पार्ट चाहिए तो आपको मिल जाएगा, जो भी चार्ज रहता है वो नॉमिनल चार्ज में हम आपको सप्लाई कर सकते हैं, या तो कोई पार्ट खराब हो गया आप हमको मंगवा सकते हो। ये मशीन और कच्चा माल खरीदने के लिए कंपनी के नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहीं से आप बहुत ही आसानी से इस मशीन को खरीद सकते हो। हमारे कस्टमर आप कहीं पर हो, ऐसा नहीं कि गुजरात में हो, गुजरात के बाहर भी आप बिना टेंशन के, कोई भी परेशानी के बिना आप साबुन बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हो और मशीनरी खरीद सकते हो, बहुत ही ये विश्वासपूर्ण है और आपको पूरा सपोर्ट, पूरा सहयोग देंगे। जब तक आप बिजनेस शुरू नहीं कर सकोगे, इसमें प्रॉफिट नहीं कमाओगे, तब तक हम सहायता करेंगे। ये खुद को ये बिजनेस करते करते 30 इयर्स हो गया और हमारा करीबन 3000 से ज़्यादा मशीन पूरे इंडिया लेवल पे, यानी कि अहमदाबाद गुजरात को भी साथ में लेके पूरे इंडिया लेवल में हमारा मशीन चलता है, 3000 से ज़्यादा मशीन हमारा चलता है और करीबन 20 से 25 कंट्री में हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। सही है, आप समझ सकते हो दोस्तों कि ये बहुत ही बड़ा बिजनेस कंपनी है, आपको हर तरह की सहायता दे सकती है, बहुत ही पुरानी है, उसको सभी तरह की एक्सपीरियंस है कि साबुन बनाने की मशीन में कौन कौन सी दिक्कतें आती है, और इसी तरह से उन्होंने ये मशीन बनाया कि आपको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और आप आराम से आप पैसा कमा सकते हो। हितेश भाई,
हमारा जो कस्टमर है वो खरीदना चाहे तो आप उसका लोन करना चाहे तो किस तरह की आप सहायता कर सकते हैं? रौनक भाई, ये बात आपने अच्छी बताई, क्योंकि हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है। हम कोई फाइनेंस कंपनी तो खोल के बैठे नहीं, नहीं है नहीं, नहीं, फिर भी फिर भी हम आपको, हमारा जो कस्टमर है वो कस्टमर को एक सपोर्टिंग के लिए क्या है कि हम कस्टमर को उनके नाम का, जो नाम से उनको लोन लेना है उनके नाम का हम कोटेशन बना के देंगे। वो अपनी बैंक में जाके ये कोटेशन दिखा के, अभी आजकल बहुत सारी योजनाएं चल रही है, प्रधानमंत्री योजना और बहुत सारी मुख्यमंत्री योजना सब जगह पे, ये सब जगह पे चल रही है, सब्सिडियां भी चल रही है, तो ये वैलिड है हमारा कोटेशन। वो कोटेशन में जाके उसका पूरा प्रोजेक्ट लगा के अपना लोन ले सकते हैं। दोस्तों, आप ऐसे इस कंपनी में से आप प्रधानमंत्री के लोन का भी आप कर सकते हो। अगर आप अपने जिले में या बैंक के साथ कनेक्ट हो तो आप लोन भी इसमें ले सकते हो, और लोन करके भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। लोन में भी आप उसको सहायता करेंगे, जैसा कि कोटेशन आपको चाहिए तो कोटेशन भी आपको दे सकते हैं, उस तरह के भी आपको सहायता कर सकते हैं। हितेश भाई, ये बिजनेस हम गाँव में शुरू कर सकते हैं ना ये? रौनक भाई, ये एक बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि ये गांव में चालू कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। रौनक भाई, सबसे बढ़िया जो मार्केट है वो गांव का ही है। हाँ जी, आप जो शहरों को छोड़ के, शहरों में आपको कंपटीशन आएगी, आप छोटे गांव में या तो आप बनाओ शहर में और बेचो गांव में तो भी बढ़िया रहेगा, और गांव में आपका खुद का जो जमीन है, ये है अपना घर है, तो आप हरेक गाँव में, आपको मैं बताऊं कि 30 साल हो गया हमने इंडिया के इतने छोटे छोटे गांव में मशीन भेजे हैं कि जिसका हमने कभी नाम नहीं सुना है। इतने सारे राज्य के अंदर छोटे 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 जो गांव है, तो हरेक गांव गांव के अंदर ये साबुन और पाउडर का बिजनेस चालू हो गया है, और भी ज़्यादा चालू होगा, क्योंकि पॉपुलेशन जितना ज़्यादा है उतना प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा और अपना खुद का नाम बना के सब लोग बेचते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस हम गांव से भी शुरू कर सकते हैं, साबुन बनाने का बिजनेस हम गांव से भी हम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा रहा। हम आज के वीडियो में साबुन बनाने का बिजनेस के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी हितेश भाई ने, हमने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। हितेश भाई के जो फादर है उसमें भी हमें बहुत ही अच्छा इसमें इस बिजनेस में हमें बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है। तो हम आपकी वजह से हितेश भाई का भी आभार मानते हैं कि आपने हमें इस बिजनेस के बारे में बताया, और कोई भी इंसान बिजनेस कर सकता है और अच्छी कमाई कर सकता है वे भी बताया हमने, इसमें भी हमने बहुत ही अच्छा काम किया। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तो ये बने रहे हमारे साथ अगले वीडियो देखने के लिए। ये मशीन और कच्चा माल खरीदने के लिए कंपनी के नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहीं से आप बहुत ही आसानी से इस मशीन को खरीद सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर टिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर टिक करें, ताकि आप हर रोज़ बिजनेस के नए नए वीडियो देख सकें।